हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हेल्प में। और आज की वीडियो में हम बताएंगे एक खास टॉपिक के बारे में। अगर आपने एसी परचेज कर लिया है और आपने इंस्टॉलेशन भी करवा दिया, यानी कि एसी लगा भी दिया है, उसके बाद भी आप ठंडी हवा नहीं खा पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम से, इस दिक्कत से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो फटाफट, फालतू में बकबक नहीं करेंगे, वीडियो फटाफट स्टार्ट करेंगे। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो कर दे सब्सक्राइब, और पास में देखिए उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमर मिलता रहेगा और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो चलिए करते हैं वीडियो फटाफट स्टार्ट। अगर आपने एसी परचेज कर लिया है और लगवा दिया, उसके बाद आपने ऑन कर दिया और आप सोचेंगे भाई ठंडी हवा क्यों नहीं आ रही और क्यों गर्म हवा आ रही है, तो आप तो टेंशन में आ जाएंगे, भाई पैसे भी खर्च कर लिए और ठंडी हवा का मज़ा भी नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे जो पहली है, पॉइंट नंबर जो फर्स्ट है हमारा, जो पहला पॉइंट है, जो पहली दिक्कत है जो हो सकती है, वो है कंप्रेसर। यानी कि आपने एसी तो परचेज कर लिया और आप अगर एसी ऑन भी करते हैं, अगर बाहर का कंप्रेसर अगर ऑन नहीं हो रहा है, तो उसका मेन रीज़न ये है कि आपके जो घर का वोल्टेज है वो सही नहीं है, यानी कि एसी को सही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही है, सही वोल्टेज नहीं मिल रहे, उसी के कारण से एसी लोड नहीं ले पा रहा है और ना चल पा रहा है। कंप्रेसर चलेगा नहीं, गैस उसका अंदर चलेगी नहीं, फ्लो नहीं होगा गैस का, चलेगी नहीं तो कहाँ से कूलिंग होगी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए आपके घर का वोल्टेज क्या है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अभी जो हाल में एसी आ रहे हैं 140 वाट से लेकर 300 वाट तक, वो कम ज़्यादा अगर वोल्टेज हो फिर भी वो चल जाते हैं, पर आई थिंक मेरे हिसाब से जो स्टेबलाइजर जो काम करता है वो एसी काम नहीं करेगा। आप कितने भी एसी आप ले आए, पर आपको स्टेबलाइजर तो लगवाना ही पड़ेगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए, आप एसी भले ले आए, कोई कंपनी बोलती है कि आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें तो स्टेबलाइजर फ्री है, ये जैसे फ्रिज आते हैं उसमें क्या होता है, स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर फ्रिज का जो डिब्बा है बहुत ही छोटा है और एसी तो पूरे रूम का टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो आप एक बार सोच लीजिएगा, स्टेबलाइजर आप ज़रूर लगवाइए, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आप पूरी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अब बात करेंगे अगली प्रॉब्लम की, अगली प्रॉब्लम क्या हो सकती है। जैसे आपने एसी फिटिंग करवा दिया, जो इनलेट और आउटलेट पाइप होती है, एक आती है प्रेशर पाइप है और एक रिटर्न पाइप है, अगर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी अगर एयर रह जाता है, अगर थोड़ी बहुत भी हवा है उसमें, एयर जो फिटिंग वाला आता है अगर उसने एयर पूरी तरह से नहीं निकाली है, तो वहाँ पर आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो सही नहीं बन पाएगा और जो कूलिंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी आपको। आपने एसी में टेम्परेचर तक करके रखा हुआ है 20 डिग्री पर और एसी कूलिंग कर रहा है 25 की, उसकी प्रॉब्लम यही है कि आपके जो एसी है, जो इसकी इनलेट और आउटलेट पाइप है, जो प्रेशर और रिटर्न पाइप है, उसके अंदर जो गैस का फ्लो है वो रुक रुक के चल रहा है, यानी कि बीच में एयर है, उसी की वजह से सही तरीके से आपकी एसी कूलिंग नहीं कर रही है। तो आप अपने मैकेनिक को बुलवाएं, उस एयर को क्लीन करवाइए और बिल्कुल ही पास खड़े रहकर वो काम करवाइए, आप उसको बोलिए भाई कि बिल्कुल भी एयर नहीं रहनी चाहिए और जो प्रेशर है पूरा सही आना चाहिए, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली, आपने नया एसी परचेज कर दिया और उसके बाद भी अगर ठंडा नहीं हो रहा है, वो तो हम इसमें बात ही कर रहे हैं इस टॉपिक पर, उसका रीज़न ये भी हो सकता है, क्या पता आपके एसी में गैस फील की हुई या नहीं की हुई। ज़रूरी नहीं कि आपने ब्रांड न्यू एसी परचेज किया तो उसके अंदर गैस होगी, बाय चांस कभी कोई मिस्टेक हो सकती है तो फिर उसमें गैस फील नहीं होगी, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि उसमें गैस है कि नहीं, आप चेक करवा सकते हैं किसी भी मैकेनिक के पास। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके एसी के अंदर। और एक मेन दिक्कत ये आती है सबसे बड़ी, कि आपके जो सेंसर होता है, जो टेम्परेचर जो सेट करता है एसी के अंदर, वो सेंसर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपने नया एसी परचेज कर लिया, आप ये सोच रहे हैं कि कंप्रेसर भी चल रहा है, जो रिटर्न भी सही आ रही है गैस वगैरह, उसके बाद भी ठंडा क्यों नहीं हो रहा है एसी, पर आपको ये पता नहीं कि अगर आपके जो सेंसर है, जो टेम्परेचर वाला सेंसर होता है एसी के अंदर, अगर वो सही काम नहीं कर रहा है तो आपका जो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि सेंसर से ही पता लगता है उस एसी को कि भाई रूम का टेम्परेचर कितना है तो मुझे और कितना कूलिंग करना चाहिए, तो उसी के हिसाब से कंप्रेसर भी चलता है। तो आप सोचिए, आप एक बार देखिए कि सेंसर भी काम करता है कि नहीं करता है। आप जब कभी भी आपके घर पे कोई मैकेनिक एसी लगवाने आए या फिर कोई लगाने आता है, इंस्टॉलेशन करने आता है, तो उसको आप बिठाइए, एसी आपने फिटिंग करवा दिया उसके बाद उसको बिठाइए, थोड़ा चाय पानी पिलाइए, जब तक आप उस एसी को चलाइए कि उसकी कूलिंग कैसे हो रही है, प्रॉपर कूलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। और सबसे आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप एसी लगवाते हैं तो आपके जो विंडो वगैरह है, जो गेट है, मेन डोर है, उसको आप बिल्कुल ही क्लोज रखिए, एयर टाइट रूम होगा तभी कूलिंग का पता लगेगा कि आपकी एसी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही। आपने गेट तो ओपन रखा है फिर आप बोल रहे हैं कूलिंग नहीं कर रही है, तो टेम्परेचर बनेगा कैसे? एसी का काम यही है कि टेम्परेचर बनाएगा, जैसे फ्रिज टेम्परेचर बनाता है अंदर, और उसी तरीके से एसी भी उस रूम को एक तरीके से फ्रिज की तरह काम करती है।
तो इसी तरीके से आप इस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन खाली है, वहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, या फिर आपकी एसी के अंदर क्या दिक्कत है, तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कि आपको किस टाइप के स्टेबलाइजर यूज करने चाहिए एसी के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, टेक केयर और बाय बाय।